थंबनेल आपने देख लिया, तो आज का जो वीडियो है वो खासकर गर्ल्स के लिए है, बट अगर आप बॉयज हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज मैं गर्ल्स के लिए बताना चाहता हूँ कि होटल इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट का कोर्स जो है कितना फायदेमंद है, अच्छा है कि नहीं, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हेलो गाइज, दिस इज दीपक, वेलकम टू माई चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइज, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गर्ल्स के लिए होटल इंडस्ट्री जो है कितनी फायदेमंद है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो चाहे वो बॉयज के लिए हो, बहुत ही अच्छा फील्ड है ये ज्वाइन करने के लिए। अगर गर्ल्स कोई भी इस फील्ड में आना चाहती है तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है ये कैरियर। जो भी हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री को पसंद करता है उनके लिए ये इंडस्ट्री बेस्ट है, चाहे वो लड़कों के लिए हो चाहे वो लड़कियों के लिए हो। ये इंडस्ट्री हर किसी के लिए ओपन है और हर किसी के लिए फायदेमंद है। ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसकी आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड है, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट अगर हॉस्पिटैलिटी में है या टूरिज्म में है तो आपके लिए ये कैरियर बेस्ट होने वाला है। फॉर द गर्ल्स, कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको लंबे टाइम तक काम करना पड़ेगा, लॉन्ग आवर्स जिसको बोलते हैं, और आपको नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है। ज्यादा मुझे लगता है कि फ्रंट ऑफ द हाउस डिपार्टमेंट जो होते हैं उसमें लड़कियों को नाइट शिफ्ट करने में प्रॉब्लम आती है, उनको अच्छा नहीं लगता है, खासकर उनको जो एक माँ है। फ्रंट ऑफ द हाउस डिपार्टमेंट मतलब फ्रंट ऑफिस हो गया, बार आउटलेट हो गया, रेस्टोरेंट आउटलेट हो गया। अगर आप नहीं चाहते कि आप नाइट शिफ्ट में काम करो तो आप सिंपली जो है बैक ऑफ द हाउस डिपार्टमेंट जो होते हैं उनमें ज्वाइन कर सकते हो, उनमें अपनी जॉब लगवा सकते हो और उनमें आराम से अपना जॉब कर सकते हो। बैक ऑफ द हाउस डिपार्टमेंट मतलब फाइनेंस, मार्केटिंग, गेस्ट सर्विस, कोऑर्डिनेटर, ऑपरेटर, इस तरह के काफी डिपार्टमेंट है बैक ऑफ द हाउस में, उनमें आप आराम से अपना जॉब कर सकते हो, जिसमें कि आपको लॉन्ग आवर करने की जरूरत नहीं है, नाइट शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। एज द फ्यूचर स्कोप मैं आपको बता दूं कि होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इंटरनेशनली ग्रोविंग कर रही है, हर जगह इसकी आज की डेट में डिमांड है। होटल इंडस्ट्री का जो बेसिस है वो है बिजनेस इंडस्ट्री, इसमें आपको बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है, और जो इंडस्ट्री बिजनेस के बारे में सिखाती है उनकी डिमांड हर जगह होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो बिजनेस कोर्स होते हैं वो हर जगह अप्लाई होते हैं, हर फील्ड में अप्लाई होते हैं, और सेम सिचुएशन होती है मैनेजमेंट कोर्स के साथ। आज की डेट में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें लड़के लड़कियों से आगे हो या लड़कियां लड़कों से पीछे हो। हर इंडस्ट्री में लड़कियां हैं, हर इंडस्ट्री में जो है गर्ल्स टॉप पर है, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे नेवी में हो, हर फील्ड में जो है आज की डेट में लड़कियां अपनी जॉब कर रही हैं और टॉप क्लास पे जॉब कर रही हैं। तो आज की डेट में हर फील्ड जो है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए ओपन है, जो भी बेस्ट होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। सो इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपको एडवाइजेबल होना चाहिए, आपको एडवाइस करना चाहिए कि भाई आपको किस फील्ड में जाना है, किस कौन सा कैरियर जो है आपको चुनना है, किस कैरियर में आप जाना चाहते हैं। तो आपको एडवाइजेबल होना चाहिए, आपको ढंग से पता करना चाहिए कि आपका किस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है, आपको उस फील्ड में जाना चाहिए। और आज की डेट में होटल मैनेजमेंट जो है हाई डिमांड पर, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस कोर्स को प्रेफर कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि इसमें लेस कॉम्पिटिशन है। आपको अदर फील्ड में इतना कॉम्पिटिशन मिलेगा, बट होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है, ये जो इंडस्ट्री है, इसमें आपको लेस कंपटीशन मिलेगा और इंटरनेशनली आपकी डिमांड हाई लेवल पर है। साथ साथ सबसे बेस्ट पार्ट जो है इसका, यू कैन गेट द जॉब इजीली, आपको इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। कंपेयर टू अदर फील्ड, अदर इंडस्ट्री, आपको इतना कंपटीशन मिलेगा और जॉब लगने की जो संभावना है आपकी वो इतनी कम होती है, बट ये इंडस्ट्री ऐसी है आपकी जॉब इजीली लग जाती है। आपको पता है कितने होटल्स हैं आपके आस पड़ोस में, हर जगह आज की डेट में होटल है, तो आपकी जॉब जो है इतनी इजीली लग जाती है, आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। मैनी ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज प्रेफर करती है डिग्री कोर्सेज को, जो भी होटल मैनेजमेंट से डिग्री कोर्स करते हैं उनको प्रेफर करती है अपने यहाँ पे रिक्रूट करना। और मैं आपको बता दूं कि साल का 4 से 5 लाख उनको सैलरी पैकेज दिया जाता है। आज की डेट में हर कोर्स इक्वल है लड़कियों के लिए जितना कि कॉम्पिटेटिव है लड़कों के लिए, और लड़कियां टॉप हैंड पर है इक्वल टू द बॉय। तो इस इंडस्ट्री को आप आराम से ज्वाइन कर सकती है और इसमें अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकती है। एज अ गर्ल इस प्रोफेशनल लाइफ को आप इंजॉय कर सकती है, और अगर आपकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को भी इंजॉय कर सकते हैं। इस फील्ड में आपको ग्रेट वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिनमें आपको कई सारे कैरियर मिलते हैं, जिनमें से आपके पास होता है रिलेशनशिप मैनेजर, एयर होस्टेस, फैकल्टी मैनेजर हो गया, ट्रेनिंग मैनेजर हो गया, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, उसके बाद सेल्स मैनेजर हो गया, पीआरओ हो गया। तो आपके पास कई करियर ऑप्शंस हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है और उसमें आप अपने फ्यूचर को देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि भाई इस फील्ड की आप नॉलेज ले चुके हैं बट इस इंडस्ट्री में आपको काम नहीं करना है, तो आप अपना काम खोल सकते हैं। जैसे आप हाउसकीपिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, या आप इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं, या आप कैटरिंग और फूड सर्विस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। तो इस तरह से आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं गाइस।
तो अगर कोई भी गर्ल्स इस वीडियो को देख रही है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट की जो इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी है आप लोग के लिए। आप जब भी इसको स्टार्ट करना चाहे, जब भी इसमें ज्वाइन होना चाहे, तभी आप अपना फ्यूचर स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, जो भी आपके अंदर स्किल्स है, जो भी आपके अंदर इंटरेस्ट है उस चीज को देखिए। और कई सारे आपके आपके पास कैरियर ऑप्शन है जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें भी आपको लगता है आपका इंटरेस्ट ज्यादा है तो उसमें आप अप्लाई करिए, उसकी नॉलेज लीजिए और अपनी जॉब स्टार्ट करिए। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई नाइट शिफ्ट में नहीं जाना है, आपको लंबे टाइम तक काम नहीं करना है, तो उसके लिए भी आपके पास कई सारे ऑप्शन है जैसे कि मैंने बताया। आप इजीली जो है अपना इंटरेस्ट देखकर उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि तानिश इज माय वाइफ, और उसने भी होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी जब वो यहाँ पर आए थे। तो तानी ने भी अभी ट्रेनिंग करी थी, बट वो कौन से डिपार्टमेंट करी थी, कैसे करी थी, क्या क्या किया था, वो आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा। इफ यू आर ए गर्ल एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग होटल मैनेजमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं डाउन और मैं यहाँ पर आपको जवाब दूंगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जहां पर मैं अपडेट देते रहता हूँ शेफ से रिलेटेड या अपने व्लॉग या वीडियो से रिलेटेड। तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जो कि है देसी ब्लॉगर, और वहां पर भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड होटल मैनेजमेंट। आने वाले टाइम में मैं गर्ल्स के लिए काफी सारे पॉइंट्स जो है शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय। Oh, oh, oh.